وتجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون फिर बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया फिर वो एक ऐसी कौम पर आए जो अपने बुतों से चिमटी हुई थी कहने लगे ऐ मूसा हमारे लिए भी ऐसे ही माबूद बना दे जैसा इनके माबूद हैं। मूसा ने कहा यकीनन तुम एक जाहिल कौम ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं ये तो खत्म हो जाने वाला है और इनका सारा तरीका बर्बाद हो जाने वाला है। मूसा ने कहा क्या मैं तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई और महबूद करार दूं? हालांकि अल्लाह ने तुम्हें तमाम दुनिया पर फजीलत बख्शी है और याद करो कि हमने तुमको बचाया फिरौन की औलाद से जो तुमको बुरा अजाब दे रहे थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर रहे थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ रहे थे और इसमें यकीनन तुम्हारी एक जबरदस्त आजमाइश थी। फिर हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 10 रातों के जरिए उसको मुकम्मल किया तो मूसा के रब की पूरी मियाद 40 रात की हो गई और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा तुम मेरे पीछे मेरी कौम के अंदर मेरे जानशीन रहना और ठीक से काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर मत चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि ऐ मेरे रब मुझे मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे कि मैं तुझे देख सकूँ। खुदा ने कहा तुम मुझको नहीं देख सकते लेकिन तुम इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह रुक जाता है तो तुम मुझको देख पाओगे। फिर जब उसके रब ने तजल्ली की पहाड़ पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश हो गए और जब होश में आए तो कहने लगे पाक है तू ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाले वालों में हूँ। खुदा ने कहा कि ऐ मूसा मैंने तुझे चुन लिया है लोगों के लिए ताकि तू मेरे पैगाम पहुँचाए और मैंने तुझसे बात की है तो जो मैंने तुझे दिया है तू उसको पकड़ ले और शुक्रगुजारों में शामिल हो जा। और हमने तख्तियों में हर चीज़ लिख दी जिसमें मौजूद थी और तफसील थी तमाम चीज़, पकड़ लो इसको ऐ मूसा और अपनी कौम को ये हुक्म दो कि वो इसके बेहतरीन तरीके पर चलें क्योंकि मैं तुमको जल्द ही एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जो फासिकीन का है।
और मैं अपनी इनायतों को उन लोगों से मोड़ दूंगा जो जमीन में नाहक तकबर दिखाते हैं। जब उन पर कोई निशानी आती है वो उस पर ईमान नहीं लाते हैं। वो अगर हिदायत का रास्ता देखें तो उसको अपनी राह नहीं बनाते हैं, और वो अगर गलत रास्ता देखें तो उसको अपना लेते हैं। ये इसलिए कि वह हमारी आयात का इनकार करते हैं और उन्हें हकीकत की खबर नहीं। और जो लोग हमारी आयात को छुटला देते हैं और आखिरत की मुलाकात को, उनकी सारी कोशिशें बर्बाद जाती हैं, उनको वही मिलता है जो उन्होंने किया। वजावजना भी बनी इसराइल अलबाग, और उसके बाद हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया। आप यहां तक सुन चुके हैं कि फिरौन को अल्लाह ताला ने डुबो दिया, गर्क़याब किया। पहले अजाब आए, उसके बाद वो पूरी कौम गर्क हुई, उसकी फौज गर्क हुई, और बनी इसराइल उस दरिया से पार हो गए। और अल्लाह ताला ने इस तरह से उस सरजमीन से जिसमें बनी इसराइल को मुस्तज़अफ़ बना दिया गया था, वअरसना अल-क़ौमा अल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिक़ अल-अर्ध वमग़ारिबहा, उसको एक बार फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अता किया। खुदा का वादा जो बनी इसराइल से था वो पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। और फिरौन जो कुछ करता था और उसकी कौम, उसको हमने बर्बाद कर दिया। उसके सारे बागात और उसके सारे महलात हमने तबाह बर्बाद कर दिए। यहाँ तक आप पिछले हफ्ते सुन चुके हैं। अब इसके बाद कि अगली बात क्या कुछ बनी इसराइल पर बीतती है, ये समंदर पार होने के बाद वो सारी तफासील आगे की रुकों में आ रही हैं। तो बनी इसराइल बहर अहमर को पार करके जुनूबी साहिल के ऊपर उसके जा रहे हैं। जुनूबी साहिल पर बहर अहमर के जब पार हो गए, फिरौन डूब गया, गर्क हो गया, फिरौन का लाओ लश्कर गर्क हो गया। और वही कौम जो मिस्र में सताई जा रही थी, मिस्र की हाकिम कौम जो उसमें मगलूब बनी हुई थी, वो पार हुई उस समंदर के। तो वहां जाकर अतौ अला कौमी याकूफून अला असनामिल लहुम, वहां उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुतों को चिमटे हुए थे। याकूफून अला यानी उनको अपना रखा था, कोई माकूल दलील उनके पास नहीं थी उनकी परस्तिश करने की। ये वही लोग थे, मिस्री लोग थे ये, जनूबी साहिल पर जो रहते थे। वहां पर फिरोजी और तांबे की कानें थी, जिसकी मिस्र की हुकूमत यानी फिरौन की हुकूमत देखभाल करती थी, और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने चौकियां कायम की थी। तो उन चौकियों के में जो लोग रहते थे उनके लिए मंदिर वहां बने हुए थे। ये मंदिर आज भी मौजूद है, इनके आसार मौजूद हैं जो जनूबी यानी साहिल पर मौजूद हैं बहर अहमर के। और वहां ये गाय की मूर्तियां हैं जो उन मंदिरों में हैं, यानी गाय के पुजारी चूंकि थे, ये गाय की प्रस्तिश करते थे। तो ये मफाका का मकाम है, आज भी मौजूद है वो, मफाका कहते हैं उस जगह को। और वहां पर ये मंदिर मौजूद है, उनके आसार मौजूद हैं, गाय की मूर्तियां उसके अंदर थी, वो उनकी परस्तिश करते थे। वहां पर जब ये बनी इसराइल आए और उनको परस्तिश करते हुए देखा, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है याकूफून अला असनामिल्लहुम, वो चिमटे हुए थे, कोई दलील नहीं थी उनके पास कि ये जानवर जो है काबिल परस्तिश है या इनकी मूर्तियां काबिल परस्तिश है, इसके लिए कोई माकूल दलील उनके पास नहीं थी, वो महज चिमटे हुए थे। एक तासुब जो होता है, आदमी जिस घर में पैदा हुआ है, आदमी ने अपनी माँ को जो कुछ देखा है करते हुए, अपने बाप को जो कुछ देखा है करते हुए, उसके लिए दिल में एक तासुब होता है। यही तासुब था जिसकी बिना पर वो ऐसा कर रहे थे कि उसकी परस्तिश कर रहे थे, वरना उसके लिए कोई माकूल दलील नहीं। हमारे यहाँ भी बिरादरान वतन हमारे गाय की परस्तिश करते हैं, दलील पूछो कि क्यों करते हैं, क्यों आपकी देवी है ये, क्यों क्यों इस कदर आप इसके पुजारी हैं, तो इसका कोई माकूल जवाब उनके पास नहीं होता। दूध देती है, दूध तो भैंस भी देती है, क्या हो गया, दूध भैंस नहीं देती है तो भैंस की परस्तिश क्यों नहीं करते। भोली भाली होती है तो भोले भाले क्या क्या होता है, तो भोली भाली जो जो भी भोला वाला हो उसको पूजा पूज लेना चाहिए। और फिर ये कि मुफीद है, तो मुफीद तो उसके वाले साहब भी होते हैं, उसके शौहर भी, बैल भी तो मुफीद होता है, उस पर क्यों इस कदर निगाहें फिर गई है। यानी वालदा साहिबा से इस कदर ज्यादा इश्क है कि वो तो खुदा है, और बाप की इस कदर नाकदरी है कि डंडे पिट रहे हैं उनको सड़क के ऊपर। तो आखिर इतना तफावत समाजी स्टेटस औरत का इतना बुलंद क्यों है, तो कोई दलील नहीं है, अल्लाह ताला फरमा रहा है बस चिमटे हुए। याकूफून चूंकि बाप को ऐसा देखा है, चूंकि माँ को ऐसा देखा है, बात करो तो कोई दलील नहीं है, बस चिमटे हुए। याकूफून अला असनामिल्लहुम, परस्तिश कर रहे हैं वैसे भी, कोई दिल से नहीं कर रहे हैं, बस चिमटे हुए हैं। दिल से कर रहे होते तो ऐसा कैसे होता कि वही वालदा जिनकी परस्तिश हो रही है, जिनके नाम पर जो है खून बहाया जा रहा है, वही वालदा जब छबड़े में मुंह डाल दे तो उनके डंडे से खबर ली जा रही है, ये क्यों होता अगर ऐसा होता। जाहिर है कि सिर्फ चिमटने की बात है, जो बातें जहन में बैठ गई हैं उस पर चिमटे हुए हैं। याकूफून अला असनामिल्लहुम, कालू या मुंह से जान लेना इलाहन का माल हम आलिया, बस रीझ गए। बनी इसराइल जो थे वहीं रहते आ रहे थे, बरसों से रहते आ रहे थे, उनके माहौल में रहे थे, और माहौल में रहने से असर पड़ता है। मालूफात जो कदीम होते हैं वो आसानी से नहीं जाते, हम दूसरों के साथ रहेंगे तो हम उनके अतवार अपनाते हैं, उनके ख्यालात हमारे अंदर आते हैं, तहजीब असर अंदाज होती है दूसरों के साथ रहने से। किसी माशरे में जब मिक्स माशरा होता है, कोई मुसलमान भी रह रहे हैं उसमें, गैर मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। मुसलमान ही मुसलमान है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जब आप एक मिक्स माशरे में रहते हैं तो दूसरों के तहजीब के असरात आप कबूल करते हैं, आते हैं असरात। तो बनी इसराइल में आए असरात,
गाय की मूर्तियां देखी, बस हम भी पूजेंगे, हम भी हमें बना दीजिए ऐसी। पहले भी पूजते आ रहे थे मिस्र के मुल्क में, यहाँ भी हम पूजेंगे। तो दिल में उसकी मोहब्बत रची बसी अभी निकली नहीं है। अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया, खुदा ताला ने तमाम दुनिया में तौहीद का परचम लहराने का मनसब इनको सौंपा। अल्लाह की अजमत के सामने, अल्लाह की अजमत के आस्थाने पर सारी दुनिया को सजदे रेज करें, ये मकाम इनको दिया। और वही मूर्ति उनको याद आ गई, उनको देखा तो फिर वही पुरानी बात, इतनी आसानी से कहा। एक साहब मुसलमान हो गए तो बाद में मुसलमान के बाद भी बात बात पे हाय राम कह जाते। अब मुझे क्यों भाई कि इतनी आसानी से कहने का, 70 बरस का कब्जा इतनी आसानी से कैसे जाएगा? तो ये तो होता है कि मालूफात आसानी से नहीं जाते, दिल में बैठ जाते हैं, दिल में ख्यालात। तो बनी इसराइल ने ये मुतालबा रख दिया फौरन, ये जान लेना इलाहन का माल हमारे, यहाँ हमारे लिए भी ऐसे ही बन जाए, हम भी ऐसे ही करें जैसे ये कर रहे हैं, इसी तरह से हम भी करें, हमें भी हमारे लिए भी बना दीजिए। पुरानी जो है गोया बातें उनको याद आने लगी। तो ये गोया एक बात होती है कि आदमी पुरानी तरफ दौड़ता है। हमारे अशोक सिंघल साहब का बयान आया है कि हमारे जो मुसलमान रहते हैं इस मुल्क में, वो हमारे ही भाई बंधे हैं, हमारे देवी देवताओं को उनके पूजा करते थे, और मुसलमानों को चाहिए कि अपना पुराना माजी याद करें। उनके बहादुर अजीम माँ बाप जो थे वो हमारे ही गोया हम मजहब थे, और हम हमारे पूर्वज हमारे देवी देवता सब एक थे। लेकिन तलवार के जोर से लोगों ने उनको मुसलमान बना लिया, उन्होंने ये जिल्लत उनके तारीख में उनको पर डाली गई। वो अपना माजी याद करें, अपने पुराने देवी देवताओं को याद करें, पहुंच जाए वहीं उन्हीं मूर्तियों के ऊपर जहां से आए, ये बात उन्होंने कही। यानी अपने मालूफात को याद करें, दिल से खुर्चे नहीं निकाले नहीं, ऐसी भी क्या बेवफाई, बाहर से आए हुए लोगों से ऐसे भी क्या मुतासिर होना कि अपने ही पूर्वजों को छोड़ बैठे, अपने ही देवी देवताओं को छोड़ बैठे। एक बार फिर वही जाल लना इलाहन का मालूम आलिया, एक बार फिर उन्हीं तरफ लौट जाइए, उन्होंने बयान दिया। हम तो कहते हैं वाकईतन हमारे बाप दादा अजीम थे, सच कह रहे हैं अशोक सिंघल साहब, अजीम थे हमारे बाप दादा, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों के बाप दादा अजीम थे कि गिलाजत के जिस गढ़े में वो रह रहे थे, जो ही इस्लाम का पाकिस्तान माहौल देखा, छलांग लगा के एकदम बाहर आ गए। बड़े अजीम थे वाकईतन, इसमें कोई शक नहीं है, और यकीनन बहादुर भी थे वो, जैसे कि अशोक सिंघल साहब कहते हैं। इसलिए किसी की तलवार से डर नहीं सकते थे। अगर कोई ये कहता है कि तलवार के जोर से मुसलमान हो गए, तो उनकी तौहीन करता है हमारे आबा अजदाद की। वो तो बहादुर थे, उन्होंने तो सच्चाई को सच्चाई समझ के माना था, और वो इसलिए अजीम थे कि कब से चले आ रहे शिर्क के उनके मुतअक्किदात, उनको छोड़कर एकदम उन्होंने इस्लाम के पाकीज़ा माहौल को अपना लिया। तो बिल्कुल सच है, अजीम भी थे और बहादुर भी थे, और इस्लाम की अजीम आफाक की तालीमात को उन्होंने अपना लिया, और भूल गए सारे मालूफात जो पहले थे, सारे देवी देवता सारे मूर्तियां सब भूल गए। बनी इसराइल की इस नफ्सियात को अल्लाह ताला पेश फरमा रहा है, ये जान लेना इलाहन कमाल हम आलिया, हमारे लिए भी ऐसी, हम भी यही चाहते हैं। पैकर महसूस अल्लाह में तो नजर ही नहीं आते, दिखते ही नहीं है, सजदा करें किधर है किधर नहीं है, सामने कुछ होना चाहिए माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, तो तभी तो कुछ खुदा का ध्यान ज्ञान हो तो क्या हो, तो कुछ बनाइए हमारे लिए भी मूर्तियां। ये मूसा अलैहि सलाम से कहा, काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, मूसा अलैहि सलाम ने कहा वाकई तुम बहुत जाहिल कौम, बहुत जाहिल कौम। खुदा ताला ने खाने के लिए हलवा इनायत फरमाया है, तुम्हें जो है उसी गिलादत की तलाश है खाने के लिए जिससे निकल कर आया, तुमसे बड़ा जाहिल और कौन होगा। रहे वहीं के वहीं, दिमाग घूमकर तुम्हारा वहीं रहा, खुदा ने तुम्हें नजात दी, खुदा ने तुम्हें एक जालिम के हाथ से बचाया, खुदा ने तुम्हें जो है सल्तनत और इख्तियार का वादा तुम्हारे लिए फरमाया, और खुदा ताला ने तुमको तौहीद की अजीम तालीमात दी तमाम दुनिया में फैलाने के लिए, और तुम्हें वही वहीं पहुंच गए जहां थे, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर। वाकईतन जाहिल नफ्सियात ही जब आदमी की गिरी हुई हो तो इन्हीं बातों पे गिरता है, डांट कर मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज से, वो हमेशा कौम से डांट करके बात करते हैं। वाकईतन तुम जाहिली लो, जाहिली लोग हो, कुबट हो, बिल्कुल उजट, वहीं के वहीं रहे, कितना मैंने तुमको समझाया लेकिन परनाला वहीं भी गिर रहा है जहां पे गिर रहा, कोई फर्क ही उन्हें नहीं आया। तो जिन लोगों की नफ्सियात गिरी होती हैं उन्हें जलील ख्यालात और अफ़्तार भी पसंद आती हैं, अजीम चीजें जो है उनको समझ में नहीं आती। एक गांव के किसी साहब के बड़े एक बादशाह था, मेहरबान हो गए, अब उनको दरबार में जो है खिला रहे हैं पिला रहे हैं, एक से एक नाश्ता करना, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, जो मुन्ने की बुआ नाश्ता बनाती है वो बात नहीं। अब भाई क्या है क्या है, बाबाजी हुक्म दिया गया और कुछ स्पेशल चीज इनके लिए बनाओ, उन्होंने कमाल फन दिखा दिया बावर्ची, लेकिन ये यही कहते रहे कि वो बात नहीं है। मुझे आखिर बताएं तो सही आप, मेरा शाही बावर्ची खाना फेल हुआ जा रहा है, ऐसी कौन सी बात है। कहने की सुबह को जो है जो पूरियां बनाती हैं, जो कच्चे सरसों के तेल की छिलाती है, वो बात नहीं है। तो वही जो है, वही जो यानी जिनके अपने जमीर और जो अपनी नफ्सियात जिनकी कमतर है, उनको तो वही मूर्ति पूजा वही समझ में, इजाज़ लेना इलाहन कमाल हमारे हमारे लिए भी ऐसी बना दीजिए। तौहीद की अजीम तालीमात, इस्लाम की अजीम तालीमात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दी, उसको कहने लगे कि हमारे लिए भी यही, हम भी यही गाय की मूर्तियां पूजेंगे। आला इन्नकुम कौमुन तजहलून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वाकई तुम जाहिल हो, इन्ना हाउलाई मुतबरु मा हुम फी, ये सब आडंबर तो खत्म होने वाला है,
ये गांव प्रस्ती का, ये मूर्तियों की पूजा का, ये सब आडंबर, ये सब स्वांग जिन्होंने रचा रखा है, तो खत्म होने वाला है। सब अल्लाह ताला इसको खत्म करने का फैसला कर चुका है। ये निजाम जो इस बुत प्रस्ती और देवता प्रस्ती के ऊपर आधारित है, इसको अल्लाह ताला खत्म करने का फैसला फरमा चुका है। इन हाउलाई मुतबरुम मा, ये सब तर्ज अमल तो खत्म होने वाला है। माहूम फी, जो कुछ ये कर रहे हैं ये मिट जाएगा। वबातिल माकान अमलून, इनका पूरा ये सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, नहीं रहेगा। जिसको तुम अपना रहे हो वो डूबता हुआ जहाज है, इसको तुम बैठने की कोशिश कर रहे हो। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस तहजीब का, इन अकदार का और इन ख्यालात का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो इसके ऊपर गाय की मूर्तियों की पूजा के ऊपर बना हुआ है, इन हवलाई मुतबरुम, यकीनन ये तर्ज अमल फना हो जाने वाला है। माहूम भी, जो ये कर रहे हैं वह बातिल मकान अमलून, और जिन सरगर्मियों में ये मुलवि से ही चलने वाली नहीं है। पूरा आडम्बर, ये पूरा स्वांग खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ भी दो एक जमाने तक यहाँ पर जो है गांव प्रस्ती कितना जबरदस्त, इसके ऊपर जो है यहाँ टेंशन रहा, ये बिल्कुल पहचान बन गई, और इसके ऊपर कितने बड़े मोमेंट्स चलाए गए यहाँ पर। और अब क्या है, वही दलित लोग जो गाय को बड़ा शौक से खाते हैं, उन्हें सीने से लगा लिया है, और कोई गाय की पिसान मुंह में नहीं आ रही, कोई भी पिसान नहीं आ रही है। अब लगा नहीं लगा, दोनों मिलके जो वही जो गाँव वाली थे और वही जो गाँव के खाने वाले हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रही, नहीं चला रहे आपके स्टेट, किसी को किसी से कोई गंध नहीं आ रही। तो ये तो इन मुतबरों की सामाजिक सिस्टम चलने वाला नहीं है तुम्हारा, जो तुमने बनाया है। बातलू मैं कानून अमलून, इसकी टूट फूट तो होनी है, टूट फूट तो हो रही है। इसको हम अपने हालात का आईने में देख सकते हैं, ये धीरे धीरे शिकस्त कबूल कर रहे हैं। ये वाकया है, आज इन्होंने जो है गांव गाय खाने वालों को जो है ये सर्टिफिकेट दिया है कि उनसे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, पहले धर्म भ्रष्ट हो जाता था। अभी सर्टिफिकेट मिल गया कि जितने दलित जो है शौक से खाते हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि तो हमारे इसमें रहेंगे, निकलेंगे नहीं, इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। जिसकी बात हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़े, और भी आगे बढ़े। जय सिंगल साहब ने कहा कि अब हमें जो है ये अपना चेहरा बदलना पड़ेगा, तो ये मेकअप कहाँ तक करेंगे, करते चले जाएंगे, देखेंगे भाई लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं लोग, पर्दा कराओ लड़कियों को, सब्जी बड़ी महंगी पड़ती है, खाओ भाई गोश्त, ईंधन जो है बहुत जलाने में महंगा पड़ता है, दफन करो गड्ढा खोद के। ये धीरे धीरे जो है मॉडिफाइड होते चले जाएंगे। जब शख्स एक लम्हे पर कबूल कर रहे हैं और फिकेंगे इतनी बहुत देवी देवता तो आपस में लड़ाई फिर रहे हैं, हमें जो है ये एक मुस्ताकम विशाल समाज बन नहीं पा रहा है। आओ भाई तौहीद की तरफ, मानो एक ही अल्लाह, ताकि एक मुस्ताकम समाज बने। तो ये इन हवलाई मुतबरों के सब कुछ खत्म होने वाला है, बचेगा नहीं। वह बादलू मा कानू या मरूम, और इस तरह से जो है मूर्तियों और देवताओं के ऊपर समाज चला नहीं करते हैं, आपस में इंतजार फैलता है। वहदत सिर्फ तौहीद से पैदा होती है। अल्लाह ताला को एक माना जाता है तो सारे इंसान एक बनते हैं, और जो हर एक का 10 का देवता अलग, 10 का देवता अलग, 10 की मूर्ति अलग, 10 की मूर्ति अलग, इसमें तो आदमी आदमी को खाड़ खाता है, घर घर अलग हो जाता है, इसमें कहां समाज बन सकता है। एक अल्लाह जिसने हम सबको बनाया है, जो हम सबके लिए बारिश बरसाता है, जो हम सबका खालिक है, जिसको हम सब मानते हैं और सारे मजहब वाले मानते हैं, उस पर तो हम सब एक हो सकते हैं। और बाकी तो हमारा पूरा इन हवलाई मतलब बरो मिट जाएगा, सब आडंबर जितना भी है इस तरह नहीं चल सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया। वही संजय काला गैर अल्लाह अबगीकुम इलाहन, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा माबूद तलाश करके दूं, वफ़ज़लकुम अलल आलमीन, जबकि अल्लाह ने तुम्हें पूरी दुनिया के ऊपर फजीलत बख्शी है, खुदा ने तुम्हें इज्जत का ताज पहनाया है, तुम एक बार फिर उसको गिलाफ में फेंक देना चाहते हो, फिर वही अपनाए वतन की रसूम और रिवाज को सीख लेना चाहते हो, उन्हीं की तहजीब को अपना लेना चाहते हो, उन्हीं को काबिल फख्र समझते हो, जैसे हमारा भी है। हमारे लोग भी जो है गुलामी और मखलूकियत के आलम में यहाँ नहीं है क्या, कि हम जो है वक्त की उस तहजीब को जो है काबिल फख्र समझते हैं, हम उनकी जबान बोलना काबिल फख्र समझते हैं, उनके अंदाज अपनाना काबिल फख्र समझते हैं, हमारी औरतें बिंदी लगाने में बड़ा जिनका समझती है कि कोई अप्सरा बन गई, क्लियोपेट्रा बन गई, ये समझती है। ये क्या है, ये एक कौम के दौरे ज़वाल की इंतहा होती है, जब दूसरों के आलाइम और दूसरों के आसार हम फख्र के साथ इस्तेमाल करने लगे। जबान बोल रहे हैं, हमारे बच्चे उर्दू भी बोल रहा है तो कोई खास बात नहीं है, पर टीचर होता है वो बेचारा, लेकिन जरा जबान में जो है हिंदी विंदी का इस्तेमाल करे तो बड़ा अपने आप को दानिश्वर समझने लगता है, बहुत बड़ा दानिश्वर हूं मैं। ये सब वही है, वही सब है कि अपनी फजीलत को, अपने मकाम बुलंद को भूल गए और दूसरों को बुलंद समझने लगे। आलमीन, खुदा ने तो तुमको सरबुलंद बनाया, तुमको बनाया था, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी तहजीब दूसरों को इल्का करते, तुम अपने अखबार दूसरों को सिखाते, नहीं ये कि दूसरों से सीखते। और याद करो बनी इसराइल, जब मैंने तुमको बचाया पर फिरौन से, तुम्हें वो दर्दनाक अजाब दे रहा था, बुरा अजाब दे रहा था, यो कत्लून अबनाकुम, वो तुम्हारे बेटों को कत्ल कर रहे थे, वेस्ताहिल निसाकुम, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी औरतों को वो जिंदा छोड़ रहे थे, तुम्हारी नस्ल खुशी कर रहे थे वो लोग, वफी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारी एक जबरदस्त आजमाइश थी। मैंने तुम्हारे पर एहसान किया कि मैंने तुम्हें आजमाइश से निजात दी, मैंने तुम्हें फिरौन के हाथों से निजात दी, मैंने तुम्हें जो है इज्जत की राह दिखाई, तुम एक बार फिर जिल्लत की राह को पसंद कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है बनी इसराइल से, मैंने तुमको इज्जत की राह पर डाला, तुम जिस गुलामी की फिजा में सांस ले रहे थे, मेरी किताब ने, मेरी तौहीद ने और मेरे उसूलों ने तुमको इज्जत और अजमत का रास्ता दिखाया, तुमने एक बार फिर उन्हीं को जो है मकाम मेयार इज्जत समझना शुरू कर दिया। यही है मेरे एहसान का बदला कि मैंने तुमको निजात दी और मैंने तुमके लिए निजात की राह निकाली।
और ये जो तुम्हें कत्ल कर रहा था वो तुम्हारे मर्दों को, तुम्हारी बेटियों को छोड़ रहा था, इसमें तुम्हारी आजमाइश थी कि इस जबरदस्त हालात में आखिर तुम कौन सा रवैया अख्तियार करते हो, सर झुका देते हो या मुकाबले की राह अख्तियार करते हो? तुम अजीमत की राह अख्तियार करते हो इसके मुकाबले में, अपनी कौम और अपनी मिल्लत को बचाओ की, या झुका देते हो हुक्मरानों के अजाइम के आगे अपने आप को? इसमें तुम्हारी आजमाइश थी कि इन सख्त हालात में कहीं टूट तो नहीं जाओगे, बिखर तो नहीं जाओगे? वफी जालिकुम बलाउम, इसमें जबरदस्त आजमाइश थी तुम्हारी कि मर्दाना रवैया अपनाओगे किस जनाना? मिस्टर एडलर ने जो है 10 लड़कियों को बंद किया, एक माहिर नसीहत है मशहूर, 10 लड़कियों को उन्होंने बंद किया एक उसमें कटहरे में, और 10 लड़कों को उसमें उन्होंने बंद किया और बाहर ताला डाल दिया उन्होंने, और कह दिया कि अब ये ताला खुलेगा नहीं, तुम्हें बंद कर दिया हमने, इसमें जगड़ लिया, गुलाम बना लिया, तुम्हें भी ताला खुलेगा नहीं। उनका नसीहत रिएक्ट क्या करती है वो ये देखने के लिए, वो लोग बच्चे, तो जो लड़कियां थी बच्चियां वो एकदम रोने लगी और एकदम जो है एक दूसरे को बुरा भला कहने लगी, तू आई क्यों थी, ये सब उन्होंने किया, और जो लड़के थे वो एकदम सलाखें तोड़ने को बल लगे, सलाखें तोड़ने की जद्दोजहद करने लगे। इससे उन्होंने ये साबित किया है कि जो मर्द होते हैं वो हालात को मोड़ना चाहते हैं, और जो औरतें होती हैं वो हालात से मगलूब हो जाती हैं। जब किसी कौम के अंदर ये मगलूब नफसियात आती है तो वो एक दूसरे को गालियां देने लगती है, जैसे लड़कियां एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, अवाम क्यादत का मरसिया पड़ रहे हैं, क्यादत अवाम का मरसिया पड़ रही है, अवाम मुसलसल 40 साल से कायदों गालियां बक रहे हैं कि कोई हमारा कायद नहीं है, कायद अवाम गालियां बक रहे हैं कि हमारे साथ नहीं आते, 10 इसकी जेब में रहते हैं, 10 उसकी जेब में रहते हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। तो ये गालियां बकने की जो नफसियात है वही मिस्टर एल्डर ने जो कहा कि लड़कियां एक दूसरे को जो है बाल खिसोड़ने लगी झंझलाहट में, ये वो रवैया है जो एक मखलूब कौम का होता है, जनाना रवैया, और एक रवैया होता है सलाखें तोड़ने का रवैया जो एक मर्दों का रवैया होता है। खुदा ताला फरमा रहा है हम तुम्हारी यही आजमाइश करना चाहते हैं, वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इन हालात में तुम्हारी ये आजमाइश थी कि तुम कौन सा रवैया अपना, हालात का मुकाबला करने का रवैया अपनाते हो या हालात के सामने सफरअंदाजी का रवैया अपनाते हो, ये आजमाइश हम करना चाहते हैं। बनी इसराइल से अल्लाह ताला फरमा रहा है, अब यहां पर बनी इसराइल आ चुके हैं और दरिया पार कर चुके हैं, अब उसके बाद ये कौम आजाद हो चुकी है, पिछली गुलामी खत्म हो चुकी है, पिछला समाजी सिस्टम खत्म हो चुका है, अब इसको एक नए निजाम की जरूरत है, इस कौम को एक नए कानून की जरूरत है, एक नई शरीयत की जरूरत है, क्योंकि कानून नहीं है, कोई निजाम नहीं है। तो अल्लाह ताला अब मूसा अलैहिस्सलाम को बुला रहा है कोहे तूर के ऊपर ताकि एक नया निजाम, एक नई शरीयत अदा की जाए। कौम जो आजाद होकर के आई है, जिसके पास कोई निजाम, कोई लाए कानून नहीं है, उसके लिए कोई कानून दिया जाए, तो इसलिए अल्लाह ताला अब एक बुला रहा है कोहे तूर पर। वअदना मूसा 30 लैलतन, मूसा से हमने 30 रातों का वादा किया, वअतममनाहा बिअश्रिन, फिर 10 रातों के जरिए उसको मुकम्मल किया, फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला, और इस तरह तुम्हारे रब की मुकर्रर करदा मुद्दत 40 दिन 40 रात हो गई। यानी कोहे तूर पर बुलाया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम 30 रोज तक यहाँ पर रहो, रोजा रखो एक महीने तक, नमाजें पढ़ो, इबादत करो अल्लाह तआला की, ताकि अल्लाह की वही को कबूल करने की सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। खुदा का कलाम जो है कौले सकील है, एक भारी कलाम है, और उसके लिए जो है एक रूहानी ताकत चाहिए उसको वसूल करने के लिए, एरियल हमारा दिल ऐसा हो जो वसूल कर सके अल्लाह के कलाम को। इसलिए अल्लाह ताला ने उस तैयारी के लिए कि गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो खुदा की कायनात में, खुदा की आयात में, और इबादत के जरिए रूह को जो है अपनी सफा सब बख्शो उसके बाद, ताकि खुदा की किताब तुम्हारे पर नाजिल हो सके। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने यह किया कि पहले पहुंच गए, टाइम जो मुकर्रर था उससे पहले पहुंच गए, तो उसकी पेनल्टी में 10 रातें और बढ़ाई गई और इस तरह 40 रातें कर दी गई। 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम को जो है कोहे तूर के ऊपर रहना पड़ा ताकि अल्लाह के पैगामात का और अल्लाह की वही का इंतजार करें। खुदा के पैगंबर हैं तो 40 रातों तक वहां पर वो रहे, 40 लैला, 40 रात, 30 रात वो जो मुकर्रर थी और 10 रात जो बतौर पेनल्टी उनके ऊपर डाली गई। 40 दिन तक उन्होंने रोजा रखा। तो रोजा जो है इसका गहरा ताल्लुक है अल्लाह के कलाम से, रोजे का गहरा ताल्लुक है, इसमें यकीन कोई ताल्लुक है। इसीलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम रमजान अल मुबारक महीने में अता किया गया जो रोजे का महीना है, और इसीलिए इंजील भी हजरत ईसा अलैहि सलाम के ऊपर रोजे के आलम में नाजिल हुई। तो रोजे का तमाम आसमानी किताबें जितनी भी हैं, जबूर है, तौरात है, इंजील है, सारी रोजे के आलम में नाजिल हुई हैं, और मूसा अलैहि सलाम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया गया। तो ये रोजा हमें मादी अलायक से दस्तकश करके इस काबिल बनाता है कि हम अल्लाह के आला आयात को, अल्लाह के कलाम को जो है जज्ब कर सकें और हम पर उतर सकें। इसलिए रमजान के महीने में तिलावत का हुक्म हमको दिया गया है कि कुरान करीम को हम जज्ब कर सकते हैं, कुरान करीम के अनवार व बरकात को रोजे के आलम में कहीं ज्यादा जज्ब कर सकते हैं। इसको तो इंशाल्लाह कभी तफसील से मैं बताऊंगा, एक बहुत तफसीली बात है लेकिन शर्तें मैंने आज आपसे कही है। तो ये रोजे का हुक्म दिया गया 30 रातें और 10 रातें और बढ़ाई गई बतौर पेनाल्टी। तो अंबियाए किराम के जो गुनाह होते हैं, जो कुरान करीम में आता है ज़म्ब या गुनाह का लफ्ज जो आता है कुरान करीम में अंबियाए किराम के लिए, उसका मकसद असल में यही होता है, हमारे गुनाह में और उनके गुनाह में फर्क होता है। हमारा गुनाह होता है अपने नफ्स की मर्जी के लिए, अपने नफ्स की मर्जी तिबाए नफ्स के लिए होता है, और अंबियाए किराम से जो लग्जिश होती है वो अल्लाह की मर्जी की ताजील में होती है कि अल्लाह की मर्जी जल्दी से हासिल कर लें, यानी खुदा के मर्जी पूरा करने की जल्दी के शौक में होती है। अभी जो टाइम था उसको उससे पहले पहुंच गए,
जो टाइम था कि खुदा का हुक्म है उसे पहले पहुंच गए, लेकिन जैसे बाद में जाना ये अल्लाह ताला के नजदीक जो है यानी अल्लाह ताला के बनाए उसूल के मुताबिक ये गलत है, इसी तरह से पहले पहुंचना भी गलत है। तो अंबियाए किराम से जो लग्जिशी होती है वो रजा इलाही को हासिल करने के जोश में होती है, और हमसे जो होती हैं गलतियां वो इत्तिबाए नफ्स और अपनी मर्जियात के लिए होती है। यूनुस अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर कुरान करीम में आया, यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है मछली के पेट में जाना पड़ा क्योंकि जल्दी से निकल गए कौम को जो है समझा कर और जोश में निकल गए। तो ये इसलिए नहीं था कि कोई इत्तिबाए नफ्स या अपनी मर्जी या अपनी कोई गलत पूरी करनी थी, बल्कि अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए वो होता है। तो ये इसके लिए अल्लाह ताला ज़म का लफ्ज़ बोल देता है, हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जो मकाम है उसके एतबार से अल्लाह ताला अंबियाए किराम के लिए बोल देता है, लेकिन हमारा मकाम वो नहीं है कि हम बोल सकते। वो लफ्ज़ खुदा को ज़ेब देता है कि खुदा के सामने बंदे जो है जाहिर है कि हकीर है और कमतर है, लेकिन हमारे लिए जो ये ज़ेब तर नहीं है कि हम यूं कहें कि अंबियाए किराम गुनाह करते हैं या गुनाहगार होते हैं, ये हमारे लिए ज़ेब नहीं देता। हकीकत में वो लग्जिशें होती हैं जो लग्जिशें इत्तिबाए नफ्स के लिए नहीं होती बल्कि अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए होती हैं। हमारे एतबार से तो वो नेकी होती है, बिर और एहसान नेकी होती है हमारे एतबार से, कि उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जल्दबाजी की, 30 रातें मुकर्रर की गई थी, जो टाइम मुकर्रर किया था उससे पहले पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी पेनल्टी डाली और कहा कि 10 दिन तुम्हें और 10 दिन तुम्हें और रोजे रखना है, 10 दिन तुम्हें और इबादत करना है। खत्म ममीकात रब्बी 40 लैला वकाला मूसा लिअखीही हारून अखलफनी फी कौमी। तो वहां पर कोह तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं ताकि इस कौम को जो आजाद हुई है एक नई शरीयत और एक नया निजाम अता किया जाए। ये कोह तूर में वादी रहा है जहां पर बनी इसराइल क़याम करते हैं, बनी इसराइल ने क़याम किया है सहराए सनाई के अंदर, और इसी की एक तरफ कोह तूर है जो काफी ऊंचा पहाड़ है, 7,360 फीट ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं शरीयत लेने के लिए। एक तरफ वहां पर मस्जिद हारून बनी हुई है आज भी है, जहां पर मूसा हारून अलैहिस्सलाम नाराज होकर जिसमें जिस जगह बैठ गए थे वहां जाकर मुतकफ हो गए थे, और एक जगह मस्जिद सालेह बनी हुई है जहां कौम समूद के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो है कौम से नाराज होकर के आए थे और वहां पर उनकी यादगार में मस्जिद बना दी गई। और इसकी एक तरफ जो है ये पहाड़ है कोह तूर जो तकरीबन 7,360 फीट ऊंचा है, इसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम जो है फरोकश हुए ताकि अल्लाह का पैगाम और अल्लाह की वही हासिल करें। वकाला मूसा लिअखी हारून अखलफनी फी कौमी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा मेरे पीछे तुम मेरे जानशीन रहना। इस कौम को यानी किसी कौम को बेकायद नहीं छोड़ा जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो उनको फिक्र यह है कि इसका कायद रहना चाहिए, बेसिरा किसी कौम का होना कि उसका कायद ना हो, कोई राह बताने वाला ना हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, ऐसी हालत में कौम बर्बाद और तबाह हो जाती है। तो इसकी फिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर जाने से पहले कि 40 दिन के लिए जा रहा हूँ, एक कायद छोड़ करके जाऊं अपने पीछे अपने जानशीन, ताकि ये बेसिरी कौम ना हो जाए, गुमराह ना हो जाए, इसको कोई उचक के न ले जाए। ए हारून तो मेरे पीछे मेरे जानशीन रहना, वह असले और हालात को सुधारने की कोशिश करना, बिगाड़ने की कोशिश मत करना। औलाद तबी सबीर मुफसिदीन, और बिगाड़ पैदा करने वालों की राह मत अपनाना। मूसा अलैहिस्सलाम का अंदेशा है, जानते हैं कि बड़े बड़े बिगाड़ करने वाले पड़े हुए हैं मेरी कौम के अंदर, अंदेशा है, इसलिए तो कह रहे हैं कि इन बिगाड़ पैदा करने वाले की राह पर मत चलना। बिगाड़ पैदा करने वालों की राह पर चलना यह है कि हम भी बिगाड़ पैदा करें। बिगाड़ का मुकाबला बिगाड़ से नहीं होता है, बिगाड़ का मुकाबला इस्लाह से होता है। इश्तियाल का मुकाबला इश्तियाल से नहीं होता, तशद्दुद का मुकाबला तशद्दुद से नहीं होता है। जो फसाद फैलाए तो फसाद का मुकाबला फसाद से नहीं होता है, उसका मुकाबला इस्लाह से होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं असलिह वला ततबअ'सबील मुफ्सिदीन, तुम इस्लाह करना, तुम जो है हालात को सुधारने की कोशिश करना, और बिगाड़ पैदा करने वालों का तरीका मत अपनाना। इससे कन्फ्रंटेशन पैदा होता है, टकराव पैदा होता है। हम भी वही तरीका अपना है जो और अपना रहे हैं, तो उससे जो है टकराव पैदा होता है, टकराव से हालात सुधरते नहीं है, हालात बिगड़ जाते हैं। हिदायत देकर के जा रहे हैं, कौम को बेकायद छोड़कर नहीं जा रहे हैं, और ये हिदायत देकर के जा रहे हैं कि तुम जो है उनका तरीका मत अपनाना, टकराव का चैलेंज का तरीका मत अपनाना, बल्कि हमेशा हालात को सुधारने और संवारने का तरीका अपनाना। वला मजा मुसालिम कातिना वकल महू रबहू रब कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहने लगे ए मेरे रब, अरे नहीं दिखा मुझको तू अपने आप को, अंजुर इलेक में तुझे देखना चाहता हूं। बनी इसराइल ने परेशान कर रखा है, मुसलसल परेशान कर रखा था बनी इसराइल ने। आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, आपसे अल्लाह ताला बात करता है, हमें तो नजर आता नहीं, हमने तो देखा नहीं। जब बात करता है तो हमें दिखाइए, हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। कज बहसी बहुत बड़े दानिश्वर तो थे हर बात में मीन में निकालने वाले, कि ये क्या बात हुई साहब कि अल्लाह ताला बात तो कर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला से बात भी करना चाहते हैं, हम उसको देखना भी चाहते हैं। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में है, उनके दिलो दिमाग में है, वही बात उनके जहन में आ रही है। वहां अल्लाह से बात करें तो कह रहे हैं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ जो मेरी कौम का मुतालबा है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता है। जैसे आजकल के साइंसदान का भी मुतालबा है, वो कहते हैं अल्लाह हमको नजर नहीं आता है, हम उसको देखना चाहते हैं, और जो नजर नहीं आता है हम उसको मानेंगे नहीं, जो हमको नजर नहीं आता है हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। न जाने कितनी चीजें हमको नजर नहीं आती हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है, जानवर तो देख के ही मानता है आज चीज को,
یہ انسان جو ہے بغیر دیکھے مانتا ہے, انسان کو خدا نے عقل دی ہے, منطقی نتائج سے مان لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو. ہم جو ہے جون میں فساد یعنی برسات شروع ہوتی ہے, مئی میں اپنی چھتوں میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہم نے برسات دیکھی نہیں ہوتی ہے. نتیجہ نکال لیتے ہیں, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے برسات برسے گی, تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو انسان تو منطقی نتائج سے جو ہے مان لیتا ہے اور ان سے جو ہے آگے بڑھتا ہے اور اسے نتائج حاصل کرتا ہے. جانور ہے کہ جب تک سامنے ٹھنڈ نہیں دیکھ لے گا بچے گا نہیں. دیکھ کر ماننا تو جانور کی عادت ہے, انسان تو اندھے کے حقائق کو مانتا ہے. ہم نے نہ جانے کتنی کہکشائیں نہیں دیکھی, نہ جانے ہم تو ہوا کو بھی نہیں دیکھتے جو ہم کو لگ رہی ہے, نہ جانے کتنی کہکشائیں ابھی کائنات میں, نہ جانے کتنے ستارے اور سیارے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم ان کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ہم توجیہ نہیں کر سکتے نا. ایک واقعے کی ہم توجیہ بغیر مانے نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے مانتے ہیں. فاؤنٹین پین میرے ہمارے جیب میں لگا ہے, ہم نے دیکھا نہیں اس کے بنانے والے کو لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہے بنانے والا, کیونکہ کوئی توجیہ نہیں ہے پھر کیسے بن گیا, اس لیے مانتے ہیں. تو انسان مانتا ہے بغیر دیکھے بھی, جانور تو دیکھ کر ہی مانتا ہے اور انسان بغیر دیکھے بھی مانتا ہے, یہی انسان کا اور جانور کا فرق ہے. تو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں اس لیے ہم مانیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی ارینی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, انظر الی, دکھا مجھ کو, تو میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, تم انسان ضعیف البنیان ہو, تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی آنکھیں, انسان کے حواس تو جانوروں سے بھی کمتر ہیں. انسان تو چیل کی طرح بھی نظر نہیں رکھتا, اور انسان تو آنکھیں جو ہیں ہماری آنکھوں کا نمبر جو ہے بہت کم ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہماری دنیا میں بتری ایسی چیزیں, بتیرے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کالا اکثر بحث برابر ہوتا ہے, انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا, اتنے ہوتے ہیں آنکھیں ان کی ہیں, چہرے پہ لگی ہوئی ہیں, دکھ ہی نہیں رہا کیا ہے. تو کیا ہم ان کی آنکھوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایسی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جو آسمان پر اڑتے ہوئے کبوتروں کو دیکھ لیتی ہیں. بتیرے لوگ ہمیں سے ایسے ہیں جنہیں آج تک عید کا چاند نظر نہیں آیا, لیکن کیا عید کا چاند ہوتا نہیں ہے؟ ہوتا ہے. ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ عید کا چاند دیکھ سکیں. نہ کتنے ایسے لوگ, ایک صاحب گیا ڈاکٹر کے پاس, آنکھوں کے سامنے آنکھیں کمزور ہیں. ڈاکٹر نے بورڈ جو سامنے رکھا تھا کہا کے دیکھیے صاحب تیسری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. بولے کون سی لائن؟ یعنی کہ جو بورڈ کے اوپر لکھی ہے. کون سا بورڈ؟ یہ دیوار پہ لٹک رہا تھا. کون سی دیوار؟ تو آنکھیں ان کی ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ہم جو ہے کیسے یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اتنی کمپلیٹ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں, اتنا ہماری نظر طاقتور ہے ہماری کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم تو بہت سے حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے, تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو, تمہاری جسمانی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو, تمہاری آنکھیں اتنی تاب و توا نہیں رکھتی ہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو, تم انسان ہو. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل, لیکن دیکھو یہ سامنے جو پہاڑ ہے تمہارے سامنے, اس کو دیکھو تم ذرا. میں اس پر ایک جھوٹ ڈالتا ہوں اپنی تجلی کی صرف, فاستقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ رک جائے پہاڑ, فسوف ترانی, شاید تم مجھ کو دیکھ پاؤ. یہ اگر اپنی جگہ رک جائے, اس پر ایک ہلکی سے جھوٹ ڈالتا ہوں میں اپنے, لیکن ایک ریفلیکٹ کرتا ہوں میں اپنی تجلی کو, دیکھو تم یہ پہاڑ رکتا ہے کہ نہیں جی تمہارے سامنے کھڑا ہے. فلما تجلى ربه للجبل, جب خدا نے اس کے اوپر ایک چھوٹ ڈالی اپنی, جعلہ دکن, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, وخر موسى صعقا, اور موسى بے ہوش ہو کر گر پڑے. خر موسى صعقا, موسى جو ہے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, سامنے کی پہاڑی جو ہے ختم ہو گئی اور موسى بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. یہ ہوا. تو اس سے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ پہاڑ جو ہے ویسے انسان سے عظیم تر نہیں ہے. یقیناً قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ ہم نے جب اپنی امانت کو قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, آسمان سے بھی کہا, زمین سے بھی کہا, پہاڑ سے بھی کہا, فابین یحملنها, خدا کی اس امانت کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا, وحملها الانسان, لیکن انسان نے اٹھا لیا. تو انسان تو پہاڑ سے طاقتور ہے. پہاڑ جس ذمہ داری کو نہ ادا کر سکے, جس بوجھ کو نہ اٹھا سکے, اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو اور پہاڑ نے سنبھال لیا تو تم سنبھال سکو گے. پہاڑ کوئی ہم سے طاقتور ہے, پہاڑ تو ہم سے کمزور ہے. پہاڑ تو قرآن امانت کا حامل نہ بن سکا اور ہم حامل بن گئے. تو اس کو یہی سمجھانے کے لیے کہ جسمانی طاقتیں جو ہیں آپ کی, مادی طاقتیں وہ کمتر ہیں اور روحانی طاقتیں آپ کی جو ہیں وہ برتر ہیں. انسان جو ہے اپنی ذہنی اور اپنی روحانی طاقتوں کے اعتبار سے برتر ہے کائنات میں, لیکن اپنی جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ کمتر ہے, بہت سے جانوروں سے کمتر ہے. آپ بجار سے مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ گینڈے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, حالانکہ کتنے بڑے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھانے پینے کے آپ ڈائٹ کا بڑا اچھا انتظام رکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک معمولی گینڈے سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جنگل کے جو نہ بےچارا ایکسرسائز کر رہا ہے, نہ کوئی ہلکا خیال کر رہا ہے, نہ بریکفاسٹ کوئی ٹھاٹکا لے رہا ہے وہ, لیکن گھاس کھا کھا کے وہ آپ کا مقابلہ کر لے گا. جانور کو خدا نے طاقت زیادہ بخشی ہے آپ سے جسمانی اعتبار سے. تو انسان جو ہے جسمانی اعتبار سے برتر نہیں ہے, وہ جو برتر ہے وہ اپنی ذہنی اپنی روحانی طاقتوں کے اعتبار سے برتر ہے, اور اسی برتری کے اعتبار سے وہ قرآن کا حامل بن سکا. لیکن دیکھنے کا معاملہ تو خالص مادی معاملہ ہے, اس لیے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے, فلما افاق, جب ہوش میں آئے, قال سبحانک, کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تجھے دیکھا جا سکے. قال سبحانک, تیرا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا, تو پاک ہے اس سے کہ تجھے دیکھا جا سکے. سبحانک,
हम तेरा मुशाहदा नहीं कर सकते हैं। हमारे बेचारे सूफी साफी हजरत अल्लामे के मुशाहदे की फिक्र में लगे रहते हैं, ला मशहूद अल्लाह के दरबे मारते रहते हैं, हम तो अल्लामे को देखेंगे। सालिक सिर्फ मुशाहदा इलाही चाहता है। सिरात मुस्तकीम में बकादा मौलाना इस्माइल साहब लिखा है कि सालिक सिर्फ मुशाहदा इलाही चाहता है। भाई क्यों चाहता है? मूसा अलैहि सलाम तो देख नहीं सके, अल्लाह ताला फरमाया तो मुझे देख नहीं सकते, खुदा का पैगंबर जलील कदर देख नहीं पा रहा, सालिक क्यों परेशान है मुशाहदा इलाही के लिए? उसकी आंखें जब कमजोर हैं बहैसियत इंसान के, वोल्टेज ही कम है आपका, जब वोल्टेज ही कमजोर है तो ये जिक्र से और वजीफे से कोई स्टेबलाइजर है कि जो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा? क्या आप अल्लाह ताला को देख लेंगे? आपकी मादी ताकत है, कोई स्टेबलाइजर तो नहीं है कि आप क्यों मुशाहदे पे इसरार कर रहे हैं कि इसमें पूरा इंतकाल हो जाता है बेचारों का परेशानी में, जरा सा इंतजार कर लें तो इंतकाल के बाद ही देख लें, जरा सा और इंतजार कर लें, दुनिया में इसी दुनिया में देखने की क्या दुख है कि वो इंतकाल कर जाते हैं ऐसी फिक्र में, थोड़ा सा और कर लें कि भाई, और ये समझ लें कि जब मूसा इस्लामी फरमा रहे हैं सुभानक मैं तो पाक है इस बात से कि इंसान तुझे देख सके, तो कैसी बिजत है मुशाहदा इलाही की? और क्यों है? सेल से जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की कोशिश है, मच्छर जो है शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, अपनी साहियतें तो देखे आदमी, एक सेल है मेरे पास थोड़ा सा टार्च सेल और मैं उसे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाना चाह रहा हूँ, भाई देख लो इसमें इतनी पावर भी है क्या? नहीं, हमारी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह ताला को देख सकें, ये ताकत हमें अल्लाह ताला बाद मौत अता फरमाएगा। आपको जल्दी क्या पड़ी है, ऐसी कोई ट्रेन छूट रही है आपकी, आप यही देखेंगे? अल्लाह ताला मना फरमा रहा है, आप कह रहे नहीं ला मशहूद इल्लल्लाह, हर चीज में शहादत है, आप तो करके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह के अहकाम की इताअत कीजिए, अल्लाह तबारक अगर आपसे राजी हुआ तो अपना मशाहदा कराएगा, आपकी आंखों को ताकत वो चीज अता फरमाएगा, वहीं पर अता قال سبحانك تبت اليك میں توبہ کرتا ہوں اللہ میں نے غلط مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تبت اليك میں معافی مانگتا ہوں اللہ میں نے غلط بات کی، وہ تیری شان نشان نہیں تھی۔ وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی قدار میں سب سے آگے ہوں، میں سب سے آگے ہوں اور اس بات کی شہادت دینے میں کہ انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ وانا اول المؤمنین قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے تجھ سے بات کی ہے، تیرے لیے کافی ہے، تو اسی کا شکر ادا کر۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک میں نے تجھے چنا ہے، علی الناس لوگوں کے لیے، برسالتی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، وبی کلامی میں نے تجھ سے بات کی ہے، فخذ ما آتیتک تو تو اس کو لے جتنا میں تجھے دے رہا، وکم من الشاکرین اور اس پر خدا کا شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر، شکر کرنے والوں میں بن کے میں نے تجھے یہ مقام عطا کیا، رسالت کا، خدا کا پیغام پہنچانے کا یہ مقام عطا کیا، بس اس رسالت کی ذمہ داری کو ادا کر جو میں نے تجھے دی ہے، اور شکر ادا کر۔ امت محمدیہ سے بھی اللہ کا یہی خطاب ہے، اس نے آپ کو رسالت کا مقام دیا ہے، شہداء الناس بنایا ہے، آپ اس مقام کو ادا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ مشاہدے کے چکر میں کہاں اللہ تعالیٰ کی جو مشاہدہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، یعنی کہ کوئی نمائش ہے کہ مشاہدہ کریں گے؟ آپ اللہ نے جو فریضہ آپ کو سونپا ہے اس کو اپنائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خود مناتے ہی تو وہ چیز لیجیے جو میں تم کو دے رہا ہوں، وہ لو، بس اپنی طرف سے جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش مت کرو۔ وکم من الشاکرین اور شکر گزار بندوں میں سے بنو۔ وکتبنا لہ فی الالواح اور ہم نے لکھ کر کے دے دیا اس کو تختیوں میں، من کل شیء سب چیز لکھ کر کے دے دی، وموعظۃ وتفصیلا لکل شیء اور نصیحت اور ہر بات کا بیان لکھ کر کے دے دیا ہم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے لکھ کر کے دے دیا تختیوں پر، مشورے کے ساتھ دو تختیاں تھیں، دو تختیاں نہیں، قرآن الواح کا لفظ بول رہا ہے، بہت ساری تختیاں۔ اور ہم نے لکھا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے لکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام پر القا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا پتھر کی تختیوں پر، اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ہم نے لکھا۔ پل انجینئر بناتا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت نے بنوایا ہے، کہتے نہیں سڑک حکومت نے بنوائی، حالانکہ بناتے ہیں انجینئر اور ٹھیکیدار لیکن حکومت نے بنوائی ہے۔ ایسے ہی لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے لکھا، ہم نے لکھا ہے کیونکہ ہمارے آرڈر سے، ہمارے حکم سے لکھا گیا، وہ ہم نے لکھا تھا۔ وقت اپنا جیسے قرآن کریم کے لیے اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے، نہ نہ ذکر و نہ لہافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت صحابہ کرام نے کی لکھ کر کے، حفاظت حفاظ کرام کر رہے ہیں سینے میں یاد کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ منسوب اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہم نے حفاظت کی کیونکہ سارا انتظام کر تو ہم ہی رہے ہیں۔ اسی طرح سے لکھنا عمل ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کے باب 24 آیت جو ہے 3 کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، لکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، لیکن چونکہ امر الہی لکھا گیا اس لیے منسوب اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا کہ ہر چیز اس میں تھی، ہمارا تو یہ مشہور ہے کہ قرآن کریم میں ہے سب چیز، قرآن کریم ہے مکمل، اسلام ہے مکمل نظام حیات، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم لائے ہیں مکمل، یہ کتاب جو ہے قرآن کریم اللہ کی مکمل کتاب ہے، تفسیر لکل شیء۔ قرآن کریم تو تورات کو بھی یہ کہہ رہا ہے اور انجیل کو بھی یہ کہہ رہا ہے، یعنی مکمل نظام حیات، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جب مکمل نظام حیات ہیں تو صرف قرآن کو کیوں کہتے ہیں مکمل نظام حیات؟
اللہ کی اس کتاب قرآن ہی کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں اور ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تفسیر لکل شیء، یہاں تورات کے لیے فرما رہا ہے کہ من کل شیء موعظۃ و تفسیر لکل شیء، جس میں ہر بات کا بیان تھا، ہر بات کی ہدایت تھی۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ کیا فرق ہے قرآن کریم میں اور تورات وغیرہ میں۔ ہر کتاب خداوند قدوس کی جب نازل آتی ہوتی ہے تو وہ مکمل ہدایت ہوتی ہے، انسانوں کے لیے ادھوری ہدایت نہیں ہوتی، مکمل ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا تمدن ہی جب نامکمل ہو تو ہدایت بھی تو اسی دائرے میں ہوگی، اس وقت تک زندگی ہی نامکمل ہے تو ہدایت اسی دائرے میں ہے۔ لوگ بس مکان بنا کے رہ رہے ہیں خانہ بدوش کی طرح سے، نہ نظام ہے مکمل کوئی، نہ کچھ ہے، نہ تعلیم ہی ہے، نہ اسکولوں کا جال ہے، نہ کچھ، تمام چیزیں ہیں ہی نہیں۔ بس کیا چیز ہے کہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں، بس کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ساتھ مل کے مقابلہ کرتے ہیں، بس اس کا نام زندگی۔ اس کے علاوہ کچھ نہ ڈپارٹمنٹس ہیں، نہ کوئی پورا تمدن منظم ہے۔ تو ایسے دور میں جب تہذیب مکمل نہیں ہوئی ہے، جو کتاب آئے گی وہ یقیناً اپنی ذات میں مکمل ہوگی، لیکن چونکہ تمدن نامکمل ہے اس لیے مزید ہدایت کی ضرورت باقی رہے گی۔ آپ یوں سمجھیں جیسے پہلی کلاس میں بچہ داخل ہوا، اس کو مکمل کورس ہم نے دے دیا، پہلی کلاس کا مکمل کورس اس کو دے دیا گیا، کوئی کتاب چھوڑی نہیں گئی، ڈرائنگ بھی دے دی، حساب بھی دے دیا، ہندی بھی دے دی، انگریزی بھی دے دی پہلی کلاس کی۔ لیکن پہلی کلاس کی حد تک وہ مکمل ہے، لیکن جب وہ دوسری کلاس میں آئے گا تو اس کو مزید کتابوں کی ضرورت پڑ جائے گی، مزید سبجیکٹس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ پہلی کتاب پہلی کلاس میں جب تک وہ ہے، اس کا کورس وہ مکمل ہے۔ تو خداوند قدوس نے بنی اسرائیل کی جب تورات دی تو وہ پہلی کلاس میں ہے، اس حد تک وہ کورس مکمل ہے، وہ تفسیر لکل شیء ہے۔ لیکن تمدن کا سفر جب آگے بڑھ رہا ہے، بچہ ہے، بچہ 3 سال کا ہے، شرٹ آپ نے اس کو سی کر کے دی، شرٹ بالکل فٹ ہے اس کے لیے، مکمل ہے اس کے جسم کے اوپر۔ لیکن بچہ جب جوان ہوا، 20 سال کا ہو گیا، تو وہ شرٹ اس کے لیے مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نئی شرٹ سلانی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی شرٹ نامکمل تھی، پہلی شرٹ مکمل تھی اس وقت کے لیے، اور آج کی شرٹ مکمل ہے آج کے وقت کے لیے۔ تو قرآن کریم مکمل نظام حیات کا مطلب یہ ہے کہ آج نظام بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اس لیے قرآن کریم مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اور اس وقت نظام ہی نامکمل تھا، ان حالات میں تورات مکمل رہنمائی دے رہی، ان حالات میں مکمل تھی اور تفسیر لکل شیء تھی۔ تو اس لیے دونوں باتیں ہماری جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہیں، قرآن کریم کا مکمل نظام ہونا اور دیگر کتابوں کا مکمل نظام ہونا، اور پھر قرآن کریم کا کتابیں برتر ہونا ان کے مقابلے میں، یہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تم کو دے رہا ہوں، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، فخذھا بقوۃٍ، اس کو پکڑ لو پوری طاقت کے ساتھ، اس کتاب کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو نافذ کرو۔ وامر قومک یاخذوا بأحسنہا، یہ مطلب نہیں کہ تختیوں کو پکڑ لو، ایسے ہی لکھا ہے تفسیروں میں کہ تختیوں کو زور سے پکڑ لو، گر نہ جائیں کہیں، چھوٹ نہ جائیں، یہ نہیں۔ فخذھا بقوۃٍ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی حالات کی کسی بھی کشمکش میں یہ کتاب تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ خذھا بقوۃٍ وامر قومک یاخذوا بأحسنہا، اور اپنی قوم کو یہ حکم دو کہ اس کے بہترین طریقے پر چلیں۔ بے احسن ہا، اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کی وہ تو اس کی ہر چیز ہی بہتر ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ کہ یہ خود بہترین طریقہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آیات کا مفہوم ہے، جو سادہ اور سیدھا مفہوم ہے، وہی بہتر مفہوم ہے، اور جو ایش پیش میں گھوم گیا مفسروں کی، وہ بہتر مفہوم نہیں۔ اس کا جو بہتر مفہوم ہے اس کی پیروی کرو، یا خذو بے احسن ہا، اس کی بہتر تعلیمات کو اپناؤ۔ کیوں؟ سأریکم دار الفاسقین، کیونکہ میں تم کو ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جو فاسقوں کا ملک ہے، یعنی کسی فاسقوں کے ملک میں جینے کے لیے اور رہنے کے لیے اور کسی دارالکفر میں جینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ یہ ایک خدا تبارک تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل دیکھیے کیوں گائے پرستی کی پرستار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک مکس معاشرے میں جب آپ رہیں گے تو اگر آپ اسلام کا اجالا دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو دوسروں کے کفر کا اندھیرا آپ کے دل تک آئے گا، یہ لازمی بات ہے۔ دوسروں کے جو اندھیرا کفر کا ہے وہ آپ کے دل تک آئے گا اور آپ کو پس انداز ہوگا، اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کا اجالا دوسروں تک پہنچائیں، تبھی آپ بچ سکتے ہیں اس تہذیبی حملے سے جو قوموں کو کیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ پکڑو اس کو مضبوطی سے، کیونکہ میں تم کو ایک دارالفاسقین میں لے جاؤں گا، ایک دارالفسق میں، ایک دارالکفر میں جینا کتاب کو مضبوطی سے پڑھے پکڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سأریکم دارالفاسقین سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں منہ پھیر دوں گا ان لوگوں کا اپنی آیتوں سے جو زمین میں تکبر دکھاتے ہیں ناحق، جو زمین میں تکبر ناحق دکھاتے ہیں، ان کو خدا کی آیات سے ہدایت لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی ساری صلاحیتیں تکبر والوں کی باطل کے کام آتی ہیں، حق کے کام نہیں آتی۔ جو اپنی تکبر کی دنیا میں جیتے ہیں وہ حق کی راہ کبھی نہیں اپناتے، وہ اپنی تاب و توا، اپنے ذہن، اپنی فکر سب باطل کو تو دے دیتے ہیں خوشی کے ساتھ، لیکن اسلام کو نہیں دیتے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہدایت کی راہ آتی ہے تو وہ ان کو پسند نہیں آتی اور گمراہی پہ بڑا لپک کے جاتے ہیں۔ یہ تو ایڈوانس زمانہ ہے، تو ایڈوانس اصولوں کو اپنانا چاہیے، اس کو بڑے لپک کے پکڑتے ہیں، اور ہدایت کی راہ جب دکھائی جاتی ہے تو اسے بچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، وہ باتیں ان کے پلے نہیں پڑتی، وہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی کتنے بھی انداز سے سمجھائے، کوئی کتنا بھی محبت و دل سوزی کے ساتھ سمجھائے، دل کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا۔
सारी सलाहियतें, सारे रात भर के आंसू, सारे रात भर के मुताला, घंटों को आपको समझाना, ये सब हार जाता है 3 रुपए के एक ब्रहना प्रेस पोस्टर से जो आप खरीद लाए बाजार। एक औरत का ब्रहना प्रेस पोस्टर जो है दुकान पे लगा दें आप, सारे वास दरिया में बह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सब जितना भी समझाया, जितना भी जो है डराया अल्लाह के अजाब से, आखिरत से, जितना भी डराया, सब खत्म हो जाता है। एक फौश गाने का, एक फौश पोस्टर का मुकाबला नहीं कर पाता बड़े से बड़ा वास। ये बंदगाने खुदा को अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखते हैं गुमराही की राह तो लपक के पकड़ते हैं, और अच्छाई की राह देखते हैं तो कदम कदम बचाते हैं। ज़हानत और अक्ल जो है वो सब बातिल के काम आती है और अपने काम नहीं आती। इसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफिलीन। ये इसलिए अल्लाह की आयतों को छुटलाते हैं कि बेखबर है, जहालत सबसे बड़ा सबब होता है, जानते नहीं है तबाही कहाँ है और हलाकत कहाँ है और हमारी कामयाबी कहाँ, ये रास्ता नहीं जानते। बच्चे को बेवकूफ को पता नहीं है, उसके सामने आप गुलाब जामुन रखिए, उसके सामने अंगारा रखिए तो अंगारे को उठा के पकड़ लेगा, ज्यादा चमक रहा है, उसे पता नहीं है, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ज्यादा चटक पटक है उसके अंदर, चटक पटक पे मरता है, ये नहीं देखता कि कौमों का उरूज और ज़वाल, मेरी फलाह, मेरी निजात किस चीज में है, ये नहीं देखता। जहालत जो है वो इंसान को गुरूर मुब्तला कर देती है, और जिसके दिल में तकब्बुर आ जाए उसको आयत इलाही से तौफीक नहीं होती फायदा उठाने के। अल्लाह ताला आयत इलाही से मैंने ये उसूल बनाया है, जिनके दिल में बड़ाई होती है वो मेरी आयतों से फायदा नहीं उठा सकते। जिसका साफ मतलब ये कि जो अल्लाह की आयतों से फायदा नहीं उठाना चाहते हैं उनके दिल में बड़ाई है, मतलब यह है वो तकबर के मारे जो है अल्लाह की आयतों से दूर दूर रहते हैं। हिदायत की राह देखें तो नहीं अपनाते, वही यरो सबीर गई तखिदुहु सबीला, गुमराही की राह देखें तो बड़े शौक से अपनाते हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफिलीन, उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, वो हमारी आयतों से बेखबर है, हमारी निशानियों से बेखबर है, हकायक से बेखबर है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरा, और जो हमारी आयतों का झुटलाते हैं और आखिरत का जिनको यकीन नहीं है, हबितत आमालुहुम, बर्बाद जाती हैं उनकी सारी कोशिशें। दो मतलब हो सकते हैं, बर्बाद जाती हैं उनकी सारी कोशिशें, हबितत आमालुहुम यानी नेकियां खुदा की मीजान में तोली नहीं जाती जब तक ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत ना हो। एक मतलब इसका ये है, ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत, जब तक अल्लाह पर यकीन ना हो और आखिरत पर यकीन ना हो, नेकी की जाहिर शक्ल कैसी भी हो अल्लाह ताला मुंह पर मार देता है, वो कबूल नहीं की जाती। जब तुमने अल्लाह की रजा के लिए क्या ही नहीं तो अल्लाह से बदला काहे के लिए मांग रहे हो, जब उसकी रजा के लिए क्या नहीं और जब आखिरत के लिए क्या नहीं तो उससे बदला किस बात का है। और इसका मतलब ये, एक मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह और आखिरत का इनकार करने वाले हैं उनकी सारी कारकर्दगी, सारी सरगर्मियां रहगा जाती हैं। इस्लाम के चिराग को बुझाने की लाख कोशिश करें, कोई कोशिश कामयाब नहीं होती, बर्बाद जाते हैं उनके सारे आमाल, हबितत आमालुहुम, बर्बाद जाती हैं सारी कोशिशें, भूखों से ये चिराग बुझाया नहीं जाता। इस्लाम जिंदा और तवाना रहता है और रहेगा, आखिरत का इनकार करने वाले, गुमराही की राह पर चलने वाले इस चिराग को बुझा नहीं सकते, अभी तक आमाल बर्बाद जाएंगी उनकी सारी कोशिशें। हल यजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून, क्या मिला उनको सिवाय इसके कि जो उन्होंने किया, जो करा सो भरा। हल यजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून, अगर खुदा की निगाह रहमत से दूर कर दिए गए तो ये तो फितरी अंजाम था, यही राह उन्होंने चाही थी, अल्लाह की रजा उन्होंने मांगी कब थी और अल्लाह की रजा की राह पर चले ही कब थे। अब क़यामत में आकर अल्लाह मियां से कहें अल्लाह माफ कर दे, काहे के लिए माफ कर दे, हमें जन्नत अदा कर दे, काहे के लिए कर दे, ये तो तुम्हारा टारगेट ही नहीं था, ये तो तुम्हारा गोल ही नहीं था, इसके लिए तुम्हारी जद्दोजहद ही नहीं थी। अब यहाँ कहाँ से, दोनों जगह हाथों में लड्डू रखना चाहते हो, वहां भी दुनिया में सब कुछ कमा लिया, यहाँ भी हमसे आकर रो के जन्नत मांग ले रहे हो, यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता। हल यजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून, आपने जो किया था वही आपको दिया जाएगा, उसी का जो आप करते हैं वही आपको वापस किया जाता है। हल यजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून, कोई सवाल अगर इसके बारे में आप, दरिया तो वो आएगा, जब आएगा इसका तस्करा, लाठी मारी मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो आएगा, उसकी इसमें तस्करा नहीं, तो इतना ही हमने पार करा दिया। जिहाद को जो लोग तशद्दुद कहते हैं, ये उनका उनके लिए तो ये सवाल हो सकता है, हम लोग तो तशद्दुद नहीं मांगते ना जिहाद को, ये तो हमें जो बदनाम करने के लिए, जैसे आज ही आई है एशिया आवाज की रिपोर्ट आई है अखबारों में, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है दहशतगर्दी का कायल है और इस्लाम के यहाँ मतलब मुकम्मल ही नहीं होता है मारे काटे बगैर, विध्वंस के बगैर, तो ये उनका इल्ज़ाम है इस्लाम के ऊपर।
इस्लाम तशद्दुद की बात नहीं करता है। तशद्दुद कहाँ इस्लाम ने किया है, किसके ऊपर किया है? इस्लाम की साफ तालीम यह है कि जंग भी अगर हो तो बूढ़ों पर, बच्चों पर, माजूरों पर किसी भी हाथ उठाया जाए, गैर मुतालिक लोगों पर, जो अहले क़िताल नहीं है, जो लड़ नहीं रहे, जो हमारी तलवार के सामने नहीं आए, किसी पर भी नहीं, जो हम पर हमला कर रहा है उसका मुकाबला करना या दिफा करना, ये इसको जो है तशद्दुद नहीं कहा जाएगा। या अपने हकूक की हिफाजत करना, इसको तशद्दुद कोई भी नहीं कहता दुनिया में, किसी भी इसको फसाद नहीं कहता है कोई भी। अब यही लोग जो हम जो इस्लाम पर तशद्दुद का इल्जाम लगा रहे हैं, दहशतगर्दी का या फसाद का, जाहिर बात है इनके यहाँ भी फौजें सरहदों की हिफाजत के लिए ये भी करते हैं, लेकिन ये तो उसको तो तशद्दुद नहीं कहते। फौज रखने का हर मुल्क को हक है, दिफा करने का हर मुल्क को हक है, अपने आबरू अपनी तहजीब को बचाने का हर मुल्क को हक है, ये हर एक इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको कोई भी तशद्दुद नहीं कहता है। और हमारे को वो तशद्दुद कह रहे हैं, तो तशद्दुद का मतलब वो ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों को, बेगुनाहों को मारना जायज है, ऐसी तस्वीर वो दे रहे हैं। लेकिन ये चीज जो इस्लाम कहता है तो तमाम दुनिया में राइज है, तमाम दुनिया में राइज है, इसको हम जिहाद कहते हैं। नहीं, तमाम कोशिशें सर्व कर देना अपने नजरिए और अपनी मिल्लत के बका के लिए, ये फसाद नहीं है, ये तो इस्लाह है। कुरान करीम ने जिहाद को इस्लाह करार दिया, इसलिए फसाद नहीं है। फसादियों को रोकने के लिए कुरान करीम जिहाद को एक्शन करार देता है, जवाबी एक्शन फसादियों को रोकने के लिए, उसका एक वो है। तो इसको आप समझ लें कि तशद्दुद बमाना जिहाद बोला जाए तो वो सवाल आता है जो आप कर रहे हैं, लेकिन हम इसका ही तर्जुमा नहीं करते, हमारे दुश्मन ही तर्जुमा करते हैं जिहाद का। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين